बनिए हमारे ईगल टेक फैमिली के नए मेंबर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आपके चैनल ईगल टेक में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफर सीरीज का एक और नया एपिसोड लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको कुछ चटपटे ऑफर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सारे ऑफर्स आपको बहुत पसंद आएंगे, तो आप एक भी ऑफर को मिस मत करना। जो भी ऑफर मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं उसको ध्यान से सुनना, अप्लाई करना और फायदा उठाना। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो के आखिर में एक बैड न्यूज है आप लोगों के लिए। तो ये रूमर्स हैं, मुझे सुनने को आया है, लेकिन दोस्तों अगर ये सच होता है आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो पहले मैं आपके लिए ऑफर बता देता हूं, उसके बाद आपको वो न्यूज़ भी मैं बता दूंगा। चलिए दोस्तों मैं शुरू कर लेता हूं। सबसे पहला ऑफर आ रहा है भीम SBI पे ऐप की तरफ से। आप अगर भीम SBI पे ऐप में जाके 300 रुपये का बिल पेमेंट करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको 100 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। 200 रुपये देके आप 300 रुपये का बिल पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको भीम SBI पे ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर कर लेते हो 300 रुपये से ज्यादा का बिल पेमेंट इनिशिएट करो, उसके बाद एक कोड डालो बिल 100 के नाम से, तो उसमें दोस्तों आपको 300 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा SBI पे पॉइंट के रूप में। तो आप जब कभी भी इसके बाद ट्रांजैक्शन करने जाओगे पेमेंट पेज पे, आपको ये पे पॉइंट यूज करने का ऑप्शन मिलेगा, उस टाइम पे आप 100 रुपये को यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बिल 100 को नए यूजर के लिए है। आप अगर SBI पे ऐप पे ऑलरेडी अकाउंट बना के रखे हो तो उस केस में आपके लिए बिल 100 कोड वर्क नहीं करेगा। तो ओल्ड यूजर के लिए एक कोड है बिल 50 के नाम से, आपको 300 रुपये के बिल पेमेंट पे बिल 50 कोड यूज करने को मिलेगा, कैशबैक भी आपको 50 रुपीज ही मिलेगा। दोस्तों बिल 100 कोड आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, बिल 50 कोड को आप पर अकाउंट 2 टाइम यूज कर सकते हैं। और जो भी आपको कैशबैक मिलेंगे पे पॉइंट्स के तौर पे मिलेंगे, जिसका वैलिडिटी होगा 30 दिन तक। तो 30 दिन के अंदर अगर आप पे पॉइंट्स को यूज नहीं करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। दोस्तों जो ऑफर मैं आपको बताया बिल 100 और बिल 50, ये कोड दोस्तों 24 जुलाई और 25 जुलाई को ही वर्क करेंगे। तो आप अगर कोई भी बिल पेमेंट करना चाहते हो भीम SBI पे ऐप से कर सकते हो, बहुत फायदेमंद होंगे। दोस्तों नेक्स्ट ऑफर है माई एयरटेल ऐप की तरफ से। माई एयरटेल ऐप ने भी लाया है आप लोगों के लिए 5 पे 50 UPI ऑफर। यहाँ पे दोस्तों आप अगर 5 UPI एड्रेस में 5000 करके सेंड करती हो माई एयरटेल ऐप से, तो उस केस में आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों माई एयरटेल ऐप में आपके पास अगर एयरटेल पेमेंट बैंक है तो भीम UPI ऑप्शन पे जाके अपना बैंक को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एयरटेल की तरफ से एक VPI दिया जाएगा। दोस्तों उस VPI को यूज करके आप फिर से भीम ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको सेंड मनी करने का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आप अगर 5 UPI एड्रेस पे 5000 करके सेंड करते हैं तो आपके लिए ऑफर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 50 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना, पेटीएम पे आप एक ही बैंक अकाउंट पे पैसे भेज के इस ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन एयरटेल में ऐसा नहीं है। आप अगर एक ही UPI हैंडल में बार बार ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो एक ही बार काउंट होगा। तो आपको इस ऑफर को कंप्लीट करने के लिए 5 UPI एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। तो आप अगर 5 UPI एड्रेस में 5000 करके सेंड करेंगे तभी आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑफर पेटीएम की तरफ से है। पेटीएम ने भी एक ऑफर आप लोगों के लिए लाया है 15 पे 20 UPI ऑफर। जिस ऑफर के तहत आप अगर 1500 रुपये करके 15 बार किसी भी UPI एड्रेस में सेंड करते हैं दोस्तों, आपको पेटीएम 20 रुपये का कैशबैक देगा। दोस्तों इस ऑफर को आप 3 बार ही यूज कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों टोटल आप इस ऑफर को यूज करके 60 रुपये कमा सकते हैं। आप दोस्तों अगर पेटीएम पे कैशबैक ऑफर सेक्शन पे जाओगे तो न्यू ऑफर्स फॉर यू सेक्शन पे आपको 15 पे 20 UPI ऑफर दिख जाएगा। आप उस ऑफर में क्लिक करोगे तो इस ऑफर का टर्म्स एंड कंडीशन दिख जाएगा। आप डू योर फर्स्ट UPI पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करके 1500 का ट्रांजेक्शन कर लेना, आपके लिए ऑफर अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद अगला 14 ट्रांजेक्शन 1500 करके कर लेना, तो आपके लिए ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। पेटीएम आपको तुरंत 20 रुपये का कैशबैक दे देगा। एयरटेल में बस आपको यूनिक ट्रांजेक्शन करने होंगे, लेकिन पेटीएम पे यूनिक ट्रांजेक्शन करने का कोई जरूरत नहीं है, आप अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। दोस्तों अगला ऑफर आ रहा है फ्रीचार्ज की तरफ से। फ्रीचार्ज ने बहुत लोगों के लिए बहुत सारा लूट ऑफर लाया है। आपको 40 रुपीज का रिचार्ज, 50 रुपीज का रिचार्ज, यहां तक कि 100 रुपीज का रिचार्ज भी आपको फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन सबके लिए कोड नहीं है। लूट 40, लूट 50 और लूट 100, ये तीनों कोड फ्रीचार्ज लॉन्च किया है। फ्रीचार्ज सबको मेल कर रहे हैं और ये कोड उनको दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 100 रुपीज का रिचार्ज के लिए आप लूट 100 कोड को यूज करो और 100% कैशबैक ले जाओ। 50 रुपीज के लिए लूट 50 को यूज करो, 40 रुपीज के लिए लूट 40 को यूज करो। तो आप लोगों के पास भी जितना भी फ्रीचार्ज अकाउंट होगा सब में लूट 40, लूट 50, लूट 100 कोड को आप एक बार यूज करके देख लेना। अगर आपके लिए वर्क कर जाता है तो प्लीज यार मुझे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट में बता देना। देखो 40 रुपीज, 50 रुपीज या फिर 100 रुपीज बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, तो एक ट्राई तो जरूर बनता है, तो आप लोग भी ट्राई कर लेना। और अगर वर्क करता है तो आपके लिए तो खुशखबरी है ही, वो खुशखबरी आप मुझे भी दे देना ताकि मुझे भी थोड़ा सा खुशी मिल जाए। नेक्स्ट ऑफर आ रहे हैं अमेज़न की तरफ से। अमेज़न ने आप लोगों के लिए एक गिफ्ट कार्ड वाला ऑफर लाया है। अगर अपने अमेज़न अकाउंट से 250-250 रुपए करके 3 बार गिफ्ट कार्ड खरीदेंगे तो उसके लिए आपको अमेज़न 15-15 करके
तीन बार यानी कि टोटल 45 रुपीज का कैशबैक देगा। लेकिन दोस्तों आप जिस अमेजन अकाउंट से और जिस ईमेल आईडी से गिफ्ट कार्ड को खरीद रहे हो उसी ईमेल आईडी पे आप उस गिफ्ट कोड को सेंड नहीं कर सकते। आप जिस ईमेल आईडी से खरीद रहे हो उससे कोई दूसरे ईमेल आईडी पे अगर सेंड कर दोगे गिफ्ट कोड तो आपको अमेजन पे बैलेंस के रूप में 15 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा 250 रुपए का गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए। और इस ऑफर को आप तीन बार अप्लाई कर सकते हो यानी कि टोटल अगर आप 750 का गिफ्ट कोड खरीदोगे आपको 45 रुपीज का कैशबैक अमेजन दे देगा। इस ऑफर का वैलिडिटी 31 जुलाई तक, तो अगर आप चाहो तो इस ऑफर को लूट सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑफर आ रहा है ड्रूम वेबसाइट की तरफ से। ड्रूम ला रहा है आप लोगों के लिए ड्रूम सीफर सेल। 25 जुलाई को सुबह 11 बजे से सेल चालू होगा। 499 का सीफर बोतल आपको मिलेगा सिर्फ 29 रुपीज में। अगर आप पे करते हो पेटीएम वॉलेट से तो आपको एक्स्ट्रा 10 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा यानी कि 19 रुपए देके आप उस बोतल को खरीद सकते हो। देखो ये फ्लैश सेल है यानी कि चुटकी में खत्म हो सकता है स्टॉक, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करके रखना। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया रहेगा, आप वहां से जाके मोबाइल नंबर नेम और ईमेल एड्रेस देके रजिस्ट्रेशन करके रखना। आपको अपने मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल एड्रेस पे भी नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा सेल चालू होने से कुछ देर पहले, तो आप थोड़ा सा चौंकने रहना और जैसे सुबह 11 बजता है 25 जुलाई को आप भी तैयार हो जाना। दोस्तों देखो सारे ऑफर्स तो मैंने आपको बता दिए और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, लेकिन अब बारी आता है कि वो बैड न्यूज का। देखो दोस्तों मुझे ये सुनने को आया है और कुछ कुछ वेबसाइट में भी ये देख रहा था मैं, NPCI और UPI की तरफ से एक न्यूज निकल के आया है कि 1 अगस्त के बाद से सेम बैंक अकाउंट पे अगर आप UPI ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको बैंड कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों अभी आप अपने पेटीएम UPI एड्रेस यूज करके अपने फोनपे में पैसा भेज रहे हो, फोनपे में भी और पेटीएम में भी सेम बैंक अकाउंट लिंक है, अभी तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है, अभी तो आपके लिए ऑफर वर्क कर रहा है, लेकिन 1 अगस्त के बाद से शायद ये आपके लिए ना करे। यानी कि आप भेजने जाओगे आपको कुछ एरर बताया जाएगा। तो अगर ये रूल चालू होता है UPI की तरफ से तो दोस्तों उस टाइम पे पेटीएम पे जितना सारा ऑफर्स भी हैं जहाँ पे आपको 5,000-1,500 रुपये का ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं वो सारे ऑफर्स इनवैलिड हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों उनका वैल्यू बहुत ही कम रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन कोई भी करना नहीं चाहेगा। अभी अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा भेज के आप इस कैशबैक ऑफर्स को लूट पा रहे हो, इसीलिए आप लोग इसे यूज़ कर रहे हो, लेकिन तब आपको 50,000-60,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, उतना रिस्क तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये रूल UPI ना लाए। तो जो न्यूज था वो मैंने आपको बता दिया। अभी आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताओ कि अगर ये रूल चालू होता है तो उसके बाद आप पेटीएम का जो UPI ऑफर्स होता है 1,500-5,000 रुपए सेंड करने वाला, वो सब ऑफर्स यूज करोगे कि नहीं करोगे। दोस्तों इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सबको इन ऑफर्स के बारे में पता चल जाए और सब लोग इन ऑफर्स को यूज करके थोड़ा बहुत पैसा भी कमा ले और थोड़ा बहुत पैसा सेव भी कर ले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।